I have a question for you. You know which one? Steve Smith. How do you rate him as a batsman, as a bowling point of view? Very, very, very good batsman. Difficult to bowl at because jitna wo movement karta hai during his shuffle. Aapko delivery yaad hogi aapki. मुझे पता चल गया आप क्या बात कौन सी वाली वर्ल्ड कप वाली जो यॉर्कर वाला था नहीं वो बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं जब वो पूरा ऑफ स्टंप के बाहर गया यू नो लिटरली वो ब्लू लाइन के भी बाहर था सो यू फॉलोड हिम ऑब्वियसली सम बोलर्स डू तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने स्टंप्स को क्यों नहीं किया एम वसीम भाई उस वक्त आया था तो वकार भाई ने भी यही क्वेश्चन किया था कि आई शुड हैव बोल्ड इन द स्टंप्स अगर अब मैं देखता हूँ तो आई डू रियलाइज कि वो बॉल विकटों में ही करना चाहिए था बट उसकी वजह ये थी कि मेरा फाइनल लेग और जो स्केयर लेग था आई स्टिल रिमेंबर वॉटसन और ये खेल रहे थे एंड दे वर स्कोरिंग एट अ वेरी हाई रेट सो मैंने पहला भी ओवर जो किया था वॉज बॉलिंग दोज यॉर्कर्स एग्जीक्यूटिंग देम रियली वेल सो वो जब वो स्टार्ट पे खड़ा हुआ है जब उसने अपना वो स्टांस लिया है तो उसकी एक टांग जो थी अगर आप देखेंगे तो दैट वाज ऑलमोस्ट ऑन द ऑफ स्टंप सो आई थॉट के ही वांटेड मी टू बोल के मैं इसको बीच में बॉल करूं सो आई रियलाइज कि अच्छा ये करा तो आई गो रादर वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप देन इंस्टेड बॉलिंग इनटू इट बिकॉज एट टाइम्स आई बिलीव एज अ बॉलर दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट विकेट्स बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू जस्ट फिनिश योर ओवर ऑन अ गुड थिंगी सो मैंने वो बॉल जो है ना क्योंकि दो फील्डर भी ऊपर थे तो मैंने ये देखा और उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ बट व्हाट आई थॉट इज कि बस इसको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता क्योंकि मेरा थर्ड शॉट पॉइंट पीछे था थर्ड मैन वाज अप पॉइंट पीछे था कवर पीछे था और मिड ऑफ पीछे था तो आई वॉन्टेड हिम टू हिट मी थ्रू माई फील्ड बट ही एग्जीक्यूटेड इट रियली वेल जब आई वॉज ऑलमोस्ट हेयर टू रिलीज इट उसने बहुत ज़्यादा शफल कर लिया एंड दैट वॉज टू लेट फॉर मी एंड टू बैड फॉर मी ऑल ऑफ अस मैन दैट्स ओके